Hello students, welcome back to my YouTube channel Nikonomics. So आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अ जनरल इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स. ठीक है, जब भी कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स को फर्स्ट टाइम एज अ सब्जेक्ट चूज करता है, ठीक है, तो बहुत सारे वेरियस क्वेश्चन होते हैं जो उसके माइंड में आते हैं इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले. ठीक है, सो इन दिस लेक्चर, जो आज का हमारा पूरा लेक्चर होगा, इसमें हम वो सारे पॉइंट्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको पूरा का पूरा एक फाउंडेशन मिले किसके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में. आपको एक आइडिया मिल सके कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या पढ़ता है, इकोनॉमिक्स के बारे में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, है ना, एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट, वो हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं. हाँ जी, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स की. अब देखो, जब हम स्टूडेंट एज बीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने माइंड में आते हैं वो क्वेश्चन क्या होते हैं. देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है विच डिसिप्लिन इट बिलोंग्स टू. देखो, मैं कहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम एज स्टूडेंट कभी भी ये जानना ही नहीं चाहते कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो किस डिसिप्लिन से बिलोंग करता है. हमें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, हम सीधा क्या करते हैं, सीधा टेक्स्ट बुक को खोल देते हैं और पढ़ना शुरू हो जाते हैं जो भी कंटेंट होता है. लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका डिसिप्लिन, मतलब वो किस ब्रांच का सब्जेक्ट है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब तक आपको उसकी ब्रांच ही नहीं पता तब तक आप उसके बारे में कोई आइडिया कैसे फॉर्म करोगे. अगर आपको पता चल जाए वो किस ब्रांच से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, वो किस डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली कुछ तो आइडिया उसके बारे में आपको लग जाएगा. जैसे मान लो मैं आपसे एग्जाम्पल लेता हूँ केमिस्ट्री. जैसे ही केमिस्ट्री में बोलता हूँ आपको पता चल जाता है ये तो भैया साइंस से है, तो ऑब्वियसली बात है कुछ साइंटिफिक चीज़ें ही इसके अंदर होंगी, राइट. तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो जानना है एज अ स्टूडेंट वो जानना है कि जो इकोनॉमिक्स है वो किस डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है. ठीक है, फिर एक हमेशा हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए क्वेश्चन करते हैं इसको बनाया किसने, क्यों बनाया, उसको लेकर के आओ. तो वही सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हु रोट इट, इसको इस सब्जेक्ट को लिखा किसने. ठीक है, फिर हमारे पास आता है चलो जिसने भी लिखा. अब व्हाट इज इकोनॉमिक्स, दैट मींस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना. फिर बात क्या आती है कि जो इकोनॉमिक्स है इसका मतलब क्या है, ठीक है, और इसकी क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है. ऑफकोर्स जिसको लिखने से आपको मार्क्स मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इट परफॉर्म्स. व्हाट इट परफॉर्म्स मींस ये सब्जेक्ट अगर है तो ये क्या करेगा. जैसे मैथमेटिक्स आपको फैक्ट्स को पढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को पढ़ने में हेल्प करता है. साइंस आपको आपके नेचर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, राइट. हिस्ट्री आपको पास्ट के बारे में बता देती है. वैसे ही हर एक सब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो काम करता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इट परफॉर्म्स, कि जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स वो क्या परफॉर्म करने वाला है, उसका काम क्या है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, वो कैसे काम करता है और क्या काम करता है. ठीक है, और एक स्टूडेंट का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है व्हाई आई नीड टू स्टडी दिस, मुझे क्यों पढ़ना है ये, है ना. हर स्टूडेंट ये पूछता है सर मेरे क्या काम का, मैथ्स पढ़ रहा हूँ, सर ये बताओ साइन थीटा से कौन सब्जी लेता है, सर ये बताओ कौन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा होता है. हर बार स्टूडेंट के बहुत क्वेश्चन आते हैं, फनी से एक क्वेश्चन में से हमेशा ये क्वेश्चन हर सब्जेक्ट पर एक कॉमन होता है व्हाई आई नीड टू स्टडी दिस. देखो, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ना, पहली होती है उसका डिसिप्लिन जानना. जब आपको उसका डिसिप्लिन पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी थ्योरीज, उसके आइडियाज़ आपको सेकेंड्स में आपके माइंड में बैठने लग जाएंगे. ठीक है, इसके बाद जो आपके पास सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो समझने वाली, वो होती है व्हाई आई नीड टू स्टडी दिस, हमें इसे क्या क्यों पढ़ना है. क्योंकि जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये करता क्या है और हमें क्यों पढ़ना है, ऑटोमेटिकली ये हमें बहुत ईजीली चीज़ें क्या होती हैं, समझ में आना और विजुलाइज होना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लीज़ अब आप क्या करें, एक रजिस्टर और पेन लेके बैठें, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दो. लेकिन आई सजेस्ट यू कि आप एक रजिस्टर लेके बैठो और एक पेन लेके बैठो और साथ साथ चीज़ों को कॉपी करते जाओ. ठीक है, अगर यू आर इन हरी तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि आपको भी पता है स्क्रीनशॉट फोन का फोन में रह जाता है, रजिस्टर तो फिर खुल जाता है, स्क्रीनशॉट खोलने बैठते इतनी सारी और इमेजेस होती हैं, हम ख्यालों में खो जाते हैं. तो ऐसा ना करें, रजिस्टर लेके बैठे, पेन लेके बैठे और प्रॉपर नोट डाउन करना शुरू करें. सो हम वन बाय वन इन सारे क्वेश्चन के आंसर कवर अप करने की कोशिश करते हैं, राइट. ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स है,
ये किस ब्रांच से बिलोंग करता है, ठीक है, ये किस डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैंने लिखा हुआ है ये किस सब्जेक्ट किस से बिलोंग करता है, देखो साइंस, ठीक है, ये किस से बिलोंग करता है, ये साइंस से बिलोंग करता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट कहाँ से बिलोंग करता है, ये सब्जेक्ट बिलोंग करता है साइंस से, ठीक है। अब बात क्या आती है, स्टूडेंट ये पूछते हैं साइंस का इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं साइंस में इकोनॉमिक्स में, ठीक है। देखो इस चीज़ का आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको अपनी साइंस के डेफिनेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि देखो होता क्या है, वेन एवर वी हर्ड अबाउट साइंस हमारे माइंड में टेक्नोलॉजी, यूनिवर्स, केमिकल इक्वेशंस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ये ओवर करना शुरू कर देती है, ठीक है। बट क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ दैट वी आर नॉट ट्रेन, हम इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, हमें चीज़ें बस रटवा दी चली जाती हैं, डेप्थ में समझाई नहीं जाती है, अगर समझाई जाती तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे लिए को साइंस के लिए बहुत कन्फाइंड कर दिया गया है कि साइंस यही है और हम उसी को मान के बैठे हैं, हमने बहुत कन्फाइंड कर लिया अपनी साइंस के डेफिनेशन को, ठीक है। यही चीज़ हमें पहले समझना है कि जो साइंस आपने पढ़ी है या जिसे आप साइंस मानते हो वो साइंस का बस कुछ परसेंट है, साइंस बहुत 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 वास्ट है, राइट, ठीक है। देखते हैं तो हम कहते हैं साइंस क्या है, इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक स्टडी। साइंस क्या है, साइंस आपकी एक सिस्टमैटिक स्टडी है, ठीक है। व्हाई वी आर कॉलिंग इट सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मीन्स व्हाटसोएवर हैज अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ डूइंग समथिंग, वो कोई भी चीज़ जिसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, एक प्रॉपर पैटर्न होता है किसी चीज़ को करने का, उसे हम सिस्टमैटिक कहते हैं, ठीक है। विच इज एंटायरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट, जो कि पूरी तरह से बेस्ड होता है किसके ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। देखो साइंस में जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन सबको ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है ना, वॉट डू वी मीन बाई ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत केयरफुली स्क्रूटनाइज करना, है ना, ठीक है। एक होता है जस्ट आपने किसी चीज़ को देखा, ठीक है, देख के छोड़ दिया, एक होता है आप उसके एक एक फीचर को समझने की कोशिश कर रहे हो, एक एक फीचर को जानने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ जैसे हुई यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग, कि ये चीज़ ऐसे हुई तो ये अभी ही ऐसे हो गई या ये हमेशा ऐसे होती है, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू न्यूटन, उनके सर पे एप्पल गिरा, सर आइज़ैक न्यूटन सर के सर पे एप्पल गिरा था, ठीक है। अगर उनमें भी एक ऐसा एटीट्यूड होता कि मेरे बाप का क्या जाता है, तो वो भी छोड़ देते कि चल गिरा गिरा मेरा क्या जाता है, लेकिन वॉट ही डिड, ही ऑब्जर्व दैट कि यार ये गिरा, ठीक है गिरा, तो ये नीचे ही क्यों गिरा, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पे भी क्यों नहीं गया, ये नीचे ही गिरा, इसके पीछे कोई तो वजह होगी, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व का मतलब है केयरफुली स्क्रूटनाइज करना, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए समझने के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। आप पबजी खेलते हो, आजकल पूरी दुनिया खेल रही होती है, व्हाट यू डिड बेसिकली व्हाट यू परफॉर्म्स, आप क्या कर रहे होते हो, आप जा करके उसको बार बार ऑब्जर्व करते हो कि अच्छा यहाँ पे गिर रहा है प्लेयर, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, आप अपने आँख नाक कान सब कुछ खुले रखते हो, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सुन रहा है, सब चीज़ें देख रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है किसी भी सिनेरियो को, किसी भी इवेंट को बहुत केयरफुली उसकी माइन्यूट डिटेल्स तक को भी पता करना। नाउ दैट्स व्हाट वी हैव एक्सपेरिमेंट्स, पहले आप ऑब्जर्व कर लेते हो फिर आप करके देखते हो, कोई गेम का कोई चीज़ पार नहीं होती, पहले आप ऑब्जर्व करते हो क्या ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, फिर आप बार बार दोबारा दोबारा क्या करते हो उसी चीज़ को ट्रायल पर रखते हो, फाइनली वो पर्टिकुलर जो भी स्टेज होती है, जो भी राउंड होता है, आप क्लियर करने के लिए एबल होते हो। सेम साइंस भी यही, सब्जेक्ट भी यही, हमें बार बार किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होता है जब तक कि हमें उसका रिजल्ट वो ना मिल जाए जो कि हम चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ इस केस में, थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के केस में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किसका, आइज़ैक न्यूटन सर का, क्यों, क्योंकि एप्पल गिरा, उससे पहले भी बहुतों के सर पे गिरा होगा, ऑब्जर्व नहीं किया किसी ने, उन्होंने ऑब्जर्व किया तो हमें गारंटी मिल गई, ना ऑब्जर्व करते ना गारंटी मिलती। अगर मैं आपसे एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो एक्सपेरिमेंट में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, थॉमस एल्वा एडिसन सर, राइट, क्यों, क्योंकि 1000 टाइम फेल हुए थे, या तो हम 2-3 बार राउंड पार नहीं कर पाते थे, कभी फोन फेंक देते, कभी कुछ कर देते हैं, 1000 टाइम ही गॉट फेल, उसके बाद ही गॉट फेलियर, उसके बाद जाकर के उन्होंने क्या किया, बल्ब को इन्वेंट किया। तो वो कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट जिसके अंदर ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होंगी उसे ऑटोमेटिकली, उस सब्जेक्ट को हम क्या क्लासिफाई करते हैं, उस सब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली हम क्लासिफाई करते हैं क्या चीज़,
साइंस, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब आपने एक चीज़ तो हमें क्लियर कर दी, अभी आप अपनी पुरानी सोच को निकाल दो। जब भी हम कुछ सीखने बैठते हैं, सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है हमें जो पता होता है वो भूल जाए। जब हमें जो पता है वो भूल जाएंगे तभी हम जो नई हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उसको ग्रैप्स कर पाएंगे, है ना। अब आपके हार्ड ड्राइव में पहले से सब कुछ भर रखा है, उसमें नई इन्फॉर्मेशन कैसे डालोगे, पहले पुरानी तो क्लीन करो, तो पहले ये समझो, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि हम साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगेन वो ये रटा रटा है आंसर, सर तीन पार्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। व्हाट इफ आई टेल यू कि ऐसा नहीं होता, एक जो साइंस है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है बट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा पार्ट है कौन से, देखो यहाँ लिखा हमने आपके पास पार्ट्स नेचुरल, फॉर्मल एंड सोशल। तीन तरह की साइंस होती है, कौन कौन सी, नेचुरल साइंस, ठीक है, फॉर्मल साइंस और सोशल साइंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस आपकी वो साइंस है जिसको आप आज तक साइंस मानते आए हो, मींस जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अर्थ साइंस मटीरियल साइंस ये सारा जो पार्ट है ना आपके पास, इसको हम ट्रू में साइंस मानते आए हैं। लेकिन ये साइंस तो है बट साइंस का कौन सा ब्रांच है, ये साइंस का नेचुरल पार्ट है, ठीक है। नाउ व्हाट नेचुरल साइंस परफॉर्म्स, नेचुरल साइंस क्या परफॉर्म करती है, नेचुरल साइंस आपके नेचर की स्टडी करती है, नेचर की जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, जो भी एक्टिविटी हमारा नेचर परफॉर्म करता है, ठीक है, जैसे कि सनराइज सनसेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिसिटी, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें आपका नेचर करता है, ये कोई ह्यूमन पर्सन नहीं कर सकता। तो ये नेचुरल जितनी भी एक्टिविटीज है इन सारी एक्टिविटीज को कौन परफॉर्म करता है, इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है नेचुरल साइंस। कैसे ये चीजें हो रही हैं, हम तक कैसे पहुंचे, हमें कैसे पता बारिश नाम की चीज होती है, एक्सपेरिमेंट किए गए, पता चला कि भाई इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की एक प्रोसेस है जिससे कि बारिश होती है, एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे बताया गया कि अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फोर्स है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे पता चला कि इंसानों के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही हार्मफुल है, ठीक है। तो मतलब नेचुरल साइंस क्या है, नेचर की जो एक्टिविटीज है उनको क्या करना, साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके आप तक डिलीवर करना, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल साइंस। द नेक्स्ट वी हैव फॉर्मल साइंस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय फॉर्मल साइंस, फॉर्मल साइंस का मतलब होता है वो साइंस जो कि किस पे डिपेंड है, जो कि कोई एक फैक्ट के ऊपर बेस्ड होती है ना, जो किसी फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, कुछ कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड होती है, उसे हम फॉर्मल कहते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, दिस AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम्स जो होती हैं, इन एल्गोरिदम्स के ऊपर जो बेस्ड होती हैं उन्हें हम कहते हैं फॉर्मल साइंसेस, ठीक है। हमारा जो कंसर्न है आज का समझने का वो है सोशल साइंस, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये था ना आपके दिमाग में क्वेश्चन के बाकी सब ठीक है लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो साइंस का क्या मतलब था। Here you will get your answer. जो पहला क्वेश्चन हमारे पास था, which discipline it belongs to, ठीक है। Social science क्या होती है, देखो what do we mean by social? Social means anything which is related to society, right? And society belongs to human beings, है ना? I'm damn sure you have never heard कि कुछ जानवर इकट्ठा हुए हैं और वहाँ द्वारका के पास एक बढ़िया सोसाइटी बनाई है, या फिर फरीदाबाद के पास एक नया एरिया कटा है जहाँ पे बड़े सारे जानवर रहने आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जानवर मिलेंगे जंगल या जू बना देंगे, पेड़ मिलेंगे तो भी जंगल नर्सरी बना देंगे, बट सोसाइटी कौन बनाता है, कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, हम एक ऐसे पर्सन है ह्यूमन बींग्स जो सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। सोसाइटी कौन बनाता है, ह्यूमन बींग्स, मतलब जैसे नेचुरल साइंस नेचर को पढ़ रही है, फॉर्मल फैक्ट्स को पढ़ रही है, सोशल किसको पढ़ेगा, सोशल स्टडी और इंक्वायर अबाउट द ह्यूमन सोसाइटीज, द सिविलाइजेशन, लिखा है देखो इट स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज, ये ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ेगा, एंड द रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज, और ये किसको पढ़ेगा, उनके रिलेशनशिप को, कि भाई कोई इंडिविजुअल सोसाइटी में रह करके कैसे क्या क्या चीज़ें करता है, क्या परफॉर्म करता है, क्या ड्यूटीज होती हैं, राइट। ये इसके पार्ट बात करते हैं सोशल के पार्ट कौन से होते हैं। अगर हम सोशल के पार्ट देखें तो सोशल के पार्ट देखो कौन कौन से हमारे पास, आपने पढ़ा होगा ऑफ कोर्स हिस्ट्री, राइट, हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस, है ना, ये बीसी का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी के बारे में एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ज्योग्राफी को लेकर के बहुत ज़्यादा डिलेमा रहती है, क्योंकि ज्योग्राफी का कुछ पार्ट होता है जो कि नेचुरल साइंस में चला जाता है, ठीक है, इक्वेटर वगैरह जब हम पढ़ते रहते हैं बैठ करके, ठीक है, अर्थ के बारे में काफ़ी सारी स्टडी कर रहे होते हैं हम,
लेकिन जब हम वही किसी पर्टिकुलर क्या कहते हैं किसी ट्राइब के बारे में पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो ना जाता है। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसके अलावा ऐसा नहीं कि यही पार्ट है ना, इसके अलावा और भी पार्ट है हमारे पास, और भी पार्ट है, जैसे कि हमारे पास इसमें एंथ्रोपोलॉजी आती है, ठीक है, सोशियोलॉजी आती है, साइकोलॉजी आती है, लेकिन हम मेजरली उनकी बात करते हैं जो आप 10th तक पढ़ चुके हो या जिनके बारे में मेजरली सबको पता होता है। सो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका आंसर हमने फाउंड आउट कर लिया है ना, विच डिसिप्लिन इट बिलोंग्स टू साइंस एंड विच साइंस इज इट बिलोंग्स टू सोशल साइंस। सो हियर वी गेट आवर फर्स्ट आंसर कि जो इकोनॉमिक्स है वो किस साइंस को बिलोंग करती है, इकोनॉमिक्स बिलोंग करती है सोशल साइंस को। तो इससे आपको एक आंसर और मिल जाता है। अगर एक आंसर की मैं बात करूँ वो कौन सा है, ये क्या करेगा, अगर भाई ये सोशल साइंस है, जैसे ये नेचुरल साइंस किसी भी नेचर से एक्टिविटी को पढ़ रहा था, तो सोशल का हर पार्ट किसको पढ़ रहा है, ह्यूमन बिहेवियर को। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट आंसर हमारे पास है कि जो सोशल साइंस है वो किसको पढ़ेगा, सोशल साइंस किसको पढ़ेगा, ह्यूमन बिहेवियर को, मीन्स इकोनॉमिक्स विल स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, राइट। तो दो आंसर आपको आज इस पर्टिकुलर सेशन में मिलते हैं, वो पर्टिकुलर क्या है, पहला आपका आंसर था कि किस डिसिप्लिन को बिलोंग करता है, तो जी सोशल साइंस को बिलोंग करता है, ठीक है, और दूसरी बात ये किसको स्टडी करेगा, ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो हमारी नेचुरल साइंस होती है ना, इस नेचुरल साइंस को हम प्योर साइंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर साइंस, या फिर इसे आप कह सकते हो इसे हम एग्जैक्ट साइंस भी कहते हैं। भाई ऑन दी अदर पार्ट ये जो सोशल साइंस हमारे पास है, इस सोशल साइंस को हम क्या कहते हैं, इस सोशल साइंस को हम इन प्योर साइंस भी कहते हैं, ऑफकोर्स इन एग्जैक्ट भी हो गया। नाउ व्हाई डू वी कॉल इट दिस, ठीक है, देखो समझो, नेचुरल जो है वो एग्जैक्ट है, वो प्योर है, क्योंकि वो किसी के लिए बदलती नहीं है, वो पूरे यूनिवर्स के लिए सेम है, इसके एक्सेप्शन आपको नहीं मिलने वाले, ऐसा कोई नहीं होगा जो ग्रेविटी से मजे ले रहा होगा, ग्रेविटी के अलग काम करता होगा, वेरी फ्यू पीपल आर देयर, अगर मिल भी जाए तो बहुत ही मुश्किल होंगे, वो पता नहीं उन्होंने कौन से दिल सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी होंगी। तो प्योर साइंस है ये, ग्रेविटी किसी के लिए नहीं रुकेगी, ना ही अमीर के लिए, ना ही गरीब के लिए, किसी के लिए भी नहीं, सबके लिए सेम काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी सब पे सेम काम करेगा, बारिश जब होगी अगर बिना छाते के बिना रेनकोट के खड़े होगे तो गीले होना ही होना है, ऐसा नहीं कि मिस्टर अंबानी खड़े हो कहते भाई मैं बहुत रईस आदमी हूँ, या जेफ बेजोस का है मैं वर्ल्ड का सबसे रईस आदमी हूँ तो मेरे लिए बारिश ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो नेचुरल साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं, वो किसी के लिए नहीं बदलते अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, चाहे वो प्लेस, चाहे वो टाइम, चाहे वो पर्सन, कुछ भी हो, ये हमेशा सेम रिजल्ट देंगे, सी प्लस ओ टू विल मेक सी ओ टू, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द एक्सपेरिमेंट टुक प्लेस, कहीं भी कर लो आंसर सेम आएगा। वाइल सोशल साइंस किससे डील करता है, ह्यूमन बिहेवियर से, और आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ ह्यूमन बिहेवियर तो वैसे भी कभी सेम नहीं होता है ना, ये बदलता रहता है, गुस्सा होगा तो एक अलग रिएक्शन आता है, हंसता है तो कुछ अलग, खुश होगा तो एक अलग रिएक्शन आएगा, मजाक के मूड में तो कुछ एक अलग रिएक्शन आएगा, ठीक है, पैसों की कमी आ जाएगी तो कुछ एक अलग रिएक्शन होगा, पैसे बहुत ज़्यादा होंगे तो कुछ एक अलग रिएक्शन होगा। तो जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल हैं इसको मैंने आपको यहीं इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि बाद में बच्चों को थोड़ा ना आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं कि सर आपने तो ऐसा बोला था फिर ऐसा कैसे, हम जो बोलते हैं वो ट्रू होता है लेकिन सबके लिए नहीं, कुछ एक मेजर ग्रुप पे वो अप्लाई होगा बट कुछ लोग हो सकते हैं जो शायद उसमें अप्लाई ना कर सके। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हम एक चीज़ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, व्हाट डू वी कॉल इट एज लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एक ऐसा लॉ है जो ये कहता है कि प्राइस अगर बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। सुनने में भी सही लगता है कि भाई किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो ऑफकोर्स डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप खुद से पूछ के देखो क्या हर पर्सन पे ये लॉ सेम तरीके से काम करेगा क्या। देखो आप मैं मिडिल क्लास से हैं, काम करेगा, 4-5 रुपये प्राइसेस बढ़ेंगे तो फर्क पड़ जाता है, लेकिन व्हाट अबाउट अ सुपर रिच पर्सन, कोई एक सुपर रिच पर्सन है, क्या उस पर यह कॉन्सेप्ट काम करेगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्या वो भी हमारी तरह ही रिस्पॉन्ड करेगा, वो भी हमारी तरह ही पैनिक हो जाएगा कि यार प्राइस बढ़ गए मैं क्या करूँ, नहीं।
अगर 2-4 रुपए कोई सुपर रिच पर्सन है, 2-4-5 रुपए प्राइस बढ़ भी जाता है तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने समझा, लॉ ऑफ ग्रेविटी उस पर भी काम कर रही है, मुझ पर भी काम कर रही है, चाहे वो कितना भी रही से मैं कितना भी गरीब हूँ, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड उस पर काम नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत अमीर है और मैं कम्प्लीटली बहुत उतना अमीर नहीं, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं मीडियम क्लास का पर्सन हूँ। सो दैट इज द आइडिया। तो हमें दो चीज़ें, तीन चीज़ें एक तरह से आपको समझने को मिली कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स साइंस का ही पार्ट है, लेकिन कौन सी साइंस का? सोशल साइंस का। एक चीज़ और, दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट साइंस है, क्योंकि हर सब्जेक्ट सिस्टमैटिक होता है, हर सब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है। यू विल फाइंड नॉट इवन अ सिंगल सब्जेक्ट जो सिस्टमैटिक ना हो, हर सब्जेक्ट को बहुत सिस्टम से छोटी छोटी चीज़ें, पहले ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय सीखा था, तब जाके आज आप पूरे पूरे आर्टिकल लिख पाते हो, राइट। तो हर सब्जेक्ट सिस्टमैटिक है, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो अगर कोई आपका फ्रेंड ये बोलता ना 12th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में आने का मैंने साइंस लिया, तो बोला तूने क्या, मैंने भी साइंस रखी है। फर्क इतना है कि तू सिर्फ नेचुरल पढ़ रहा है, मैं सोशल पढ़ रहा हूँ, डिफरेंसेज इज देयर ओनली। तो कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी फील करने की जरूरत नहीं होती कि आपने साइंस नहीं पढ़ी, आप भी साइंस ही पढ़ रहे हो। वो तो खुद ही बेचारा बेवकूफ है, उसे ये भी नहीं पता वो साइंस पढ़ रहा, तो कौन सी सेक्शन साइंस पढ़ रहा है। सो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, विच डिसिप्लिन इट बिलोंग्स टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या लिखा है हमने, दैट हु रोट इट, जो हर बच्चे का होता है कि भाई ये किसने लिख दिया, क्या ही खाली बैठा था, एकदम ही वेला आदमी था, क्या लिख दिया, क्या गया, हमें फंसा गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमेशा वो होता है कि वो जो सब्जेक्ट है किसने लिखा, लिखा का मतलब क्या है, उसके बारे में फर्स्ट टाइम किसने डिस्क्राइब करने की कोशिश की, फॉर द फर्स्ट टाइम जो उसका आइडिया आया वो किस पर्सन को आया, उसका पहला बुक, उसके बारे में पहला जो टेक्स्ट आया वो कब आया, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे आपके पास क्या है, ये रहा, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हु रोट इकोनॉमिक्स, या फिर जो हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमसे पूछते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हम कहते हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ। लिखा हुआ है आपके सामने, प्रोफेसर एडम स्मिथ वॉज द पर्सन हु रोट द फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो ऐसा नहीं है कि इनसे पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी किसी ने, इनसे पहले भी इकोनॉमिक्स जो थी लोग पढ़ते थे, काफ़ी और स्कूल ऑफ थॉट्स थे, वो एक लेक्चर में बताऊंगा स्कूल ऑफ थॉट्स क्या होते हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी बार जो इकोनॉमिस्ट थे उन लोगों ने कोशिश करा था इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने का, लेकिन जो सबसे पॉपुलर डेफिनेशन जो एक्सेप्टेड बाय ऑल आप कह सकते हो, जिसको सबसे ज़्यादा प्रेज किया गया, वो डेफिनेशन देने वाले पर्सन कौन थे? प्रोफेसर एडम स्मिथ। एंड दैट इज द रीजन इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है। देखो क्या लिखा है इनके बारे में, डिटेल पढ़ लेते हैं। He was a Scottish economist. ये Scottish economist थे, ठीक है, Scottish, Scotland, right? Philosopher थे और एक क्या थे? और एक author भी थे, ठीक है, okay. The question is, इन्होंने जो पहली book लिखी उस book का नाम क्या था और वो किस year में आई, right? तो देखो आपके सामने लिखा हुआ है इन 1776, मतलब वो ईयर जिसमें इकोनॉमिक्स की पहली बुक एडम स्मिथ ने लिखी वो ईयर कौन सा था? वो ईयर था 1776, ठीक है। ही वो फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने पहली बुक इकोनॉमिक्स के बारे में लिखी। एंड हियर इज द नेम, देखो नेम क्या है इसका, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है, देखो जो जो चीजों को हाईलाइट करना है, मेन हमें याद रखना है, वो चीजें मैंने देखो क्या कर रखी है, मार्क कर रखी है। पहली चीज प्रोफेसर एडम स्मिथ, ये हमें पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, ईयर पता होना चाहिए, तो हमने वो लिख दिया। डेफिनेट बुक का नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस बुक के नाम से हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ने का एक आइडिया, एक विजन, एक डायरेक्शन मिलती है, और वो डायरेक्शन क्या है? हियर इट इज वेल्थ। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, वेल्थ, मतलब जो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने डिफाइन करी ना, वो डिफाइन जो की उन्होंने मेन अपना कंसंट्रेशन वेल्थ की तरफ रखा था। उनके अकॉर्डिंगली किसी भी इकोनॉमी की जो सारी प्रॉब्लम्स है उसको एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, दैट इज टू गिव देम वेल्थ। आप भी सोच सकते हो अगर आपके पास भी वेल्थ हो, ठीक है, जितनी ज्यादा किसी पर्सन के पास वेल्थ होगी उतना ही ज्यादा वो पर्सन
पर्सन क्या हो सकता है, उस प्रॉब्लम फ्री हो सकता है। तो एडम स्मिथ वॉज ऑफ द सेम ओपिनियन कि किसी इकोनॉमी का, किसी पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो कंसर्न क्या होता है, अपने देश की खुशी। वो कैसे आएगी, वेल्थ से। आज की डेट में भी जो गवर्नमेंट्स हैं जो इतने लगातार प्रैक्टिसेस कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, वो वेल्थ ही तो देने की कोशिश करती है ना आपको, कि किसी भी तरीके से उस कंट्री के लोगों की इनकम जो है वो बढ़ जाए, पॉवर्टी ना रहे, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम लेवल पे चला जाए। तो इसी वजह से जब भी बात जिक्र किया जाता है इकोनॉमिक्स का, तो आपको पता होगा, किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन जैसे इकोनॉमिक्स आता है ना, लोगों के माइंड में करेंसी, मनी, ठीक है, और नोट, कॉइन, जैसी बात आती है इकोनॉमिक्स के, लोगों के बारे में ये चीजें घूमती है, ठीक है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी वजह। अब जब फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया, वो किसमें किया गया, वेल्थ में, मनी में। तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम इसकी बात करेंगे, जब भी हम इसको पढ़ेंगे, तो हमारा मेन कंसंट्रेशन क्या होगा, वो किसका होगा, वेल्थ का ही होगा, है ना। हमारी गवर्नमेंट, सारे इकोनॉमिस्ट, बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट हमेशा लगे रहते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर जीडीपी, जीडीपी बढ़ाओ, पर कैपिटा इनकम बढ़ाओ। व्हाई सो, व्हाई इट इज सो सिग्निफिकेंट, और इकोनॉमिक्स ही ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स के फादर थे उन्होंने ड्यूटी दे दी कैसे इकोनॉमिस्ट को, कि जो भी इकोनॉमिस्ट होगा उसका काम ही होगा एक नेशन की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का, एक नेशन की वेल्थ से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम होगा किसी भी इकोनॉमिस्ट का, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक आइडिया और मिल गया कि जो एडम स्मिथ थे उन्होंने इकोनॉमिक्स को किस में डिफाइन किया, वेल्थ में। तो अगर मैं अब तक के अपने पार्ट को जोड़ू, तो हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड टू व्हाट, ह्यूमन बिहेवियर तो बायोलॉजी भी पढ़ लेता है, ह्यूमन बिहेवियर तो हिस्ट्री भी देख ही रहा है, ज्योग्राफी भी पढ़ ही रहा है, सो इकोनॉमिक्स ह्यूमन साइकोलॉजी भी पढ़ ही रहा है, तो इकोनॉमिक्स ह्यूमन के कौन से बिहेवियर को पढ़ेगा, द होल विच इज रिलेटेड टू क्रिएशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ को कैसे क्रिएट किया जाए, उसे कैसे यूटिलाइज किया जाए, दैट इज अ कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हम देखते हैं, हर चीज को हमें नहीं देखना, लेकिन वो चीजें जो फाइनेंशियल मैटर्स पे हैं, जो मनी मैटर्स पे हैं, उन सारी चीजों, इन्वेस्टमेंट्स, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें जो मनी रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ने का काम किसका होता है, आपकी इकोनॉमिक्स का काम होता है। सो इकोनॉमिक्स ह्यूमन के उस बिहेवियर को पढ़ता है विच इज मोस्टली रिलेटेड टू और कंसर्न विद द अर्निंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ एज सजेस्टेड बाय एडम स्मिथ, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी, यही चीज आपको एडम स्मिथ ने सजेस्ट हमें इसी बारे में किया था, ठीक है, ओके। तो देखो, बाद में लेटर ऑन इकोनॉमिक्स को लगाई तो बड़ा बहुत लंबा नाम है बुक का, इसीलिए यहाँ पे देखो मैंने इनकी बुक का एक कवर में भी शो किया, उनकी फोटो भी शो करी आपको। बाद में इस बुक को बहुत शॉर्ट में करके क्या कर दिया गया, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट कंसर्न तो यही था ना, क्योंकि एडम स्मिथ कहना ये चाहते थे कि इनकी जो डेफिनेशन है, क्या जो डेफिनेशन हर इकोनॉमिस्ट ने दी, इंक्लूडिंग ऑफकोर्स हिज डेफिनेशन ऑल्सो, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हर डेफिनेशन क्या थी, क्या क्रिटिसिज्म थे, ठीक है, वो डेफिनेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, पहले एक अपना आइडिया बिल्ड कर लेते हैं। तो दो क्वेश्चन के आंसर तो हमारे पास हो गए, राइट। पहले क्वेश्चन का आंसर कि किस सब्जेक्ट को, मतलब किस डिसिप्लिन को बिलोंग करता है, फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा कि किसने लिखा। अब मैं आपको कुछ एक बेसिक आइडिया देना चाहूंगा इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है, कि ये जो वर्ड है इसका जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये समझना जरूरी है। तो जो इकोनॉमिक्स का वर्ड है, जो हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो ये वर्ड है, ये डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है, किससे निकला है, ये ग्रीक वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड है कौन सा, एंड दैट ग्रीक वर्ड इज ओइकोनोमिया, ठीक है, वो ग्रीक वर्ड जिससे इकोनॉमिक्स को डिराइव किया गया है वो कौन सा वर्ड है, दैट इज ओइकोनोमिया। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक करते हैं ओइकोस एंड दूसरा करते हैं हम नॉमस, ठीक है, क्या करते हैं, ओइकोस और नॉमस। ओइकोस क्या होता है, ओइकोस मींस हाउसहोल्ड, फेयर इनफ, यहां पे थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट है इसलिए इसको थोड़ा सा आपको माइंड में करना, हाउसहोल्ड। और नॉमस क्या होता है, नॉमस होता है टू मैनेज, ठीक है। सो इस हिसाब से एक बहुत ऑर्डिनरी सेंस में इफ वी ट्राई टू डिफाइन इकोनॉमिक्स, वी कैन से दैट इट्स
या कह सकते हो उसको टू मैनेज, और इसको लॉ भी बोलते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड या फिर लॉस टू मैनेज हाउस होल्ड, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हमको, लॉस टू मैनेज हाउस होल्ड, कि किस तरीके से एक हाउस होल्ड को मैनेज किया जा सकता है, ये हम किसमें पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। हाउस होल्ड लॉ क्या मतलब है इसका, देखो अभी हमने पढ़ा ना कि इकोनॉमिक्स का जो आइडिया था वो एडम स्मिथ ने किससे कंसर्न होके दिया, वेल्थ से, मनी से। तो एक हाउसहोल्ड अपने मनी इश्यूज को कैसे मैनेज करेगा, मॉनेटरी इश्यूज को, मतलब किन चीजों की कंजम्पशन से उसे बहुत सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, एक प्रोड्यूसर को किस पर्टिकुलर चीज की प्रोडक्शन करनी चाहिए जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है, एक मार्केट को कैसे रेगुलेट करा जाना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीजों का आइडिया, मतलब जैसे भी कोई हम एजेंट्स की बात करते हैं इकोनॉमिक, ये सारे लोगों को मिला करके अगर हम देखते हैं तो किस किस तरीके से जो ये लोग हैं अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा पार्ट किस में आ जाता है, ये सारा पार्ट आ जाता है आपका इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, और ये हमेशा के लिए, देखो ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं इट्स नॉट बेसिकली बिलोंग्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, दिस इज अ जनरल इकोनॉमिक्स, ये एक जनरल इकोनॉमिक्स है जो कि एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट को एनी हाउ करके पता होना चाहिए, क्योंकि इट्स एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। तो एक तो ये चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो हम स्लाइड्स में कवर करेंगे। एक चीज और है जो आपको ध्यान देनी है, दैट इज इकोनॉमिक एजेंट्स। देखो जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना वो ह्यूमन को तो पढ़ती है, अब ह्यूमन कौन सी ह्यूमन, कैसे ह्यूमन, क्या चीज, इसका मैं आंसर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या हर ह्यूमन की एक्टिविटी को पढ़ेगी, नहीं, मनी रिलेटेड एक्टिविटीज को पढ़ेगी, ठीक है। हम कहते हैं कि फोर सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, इट्स अ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स, ये मैं फोर इकोनॉमिक एजेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये वो एजेंट है जिनके बेसिस पे पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है, मतलब चाहे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो, चाहे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ो, या किसी भी इकोनॉमिक्स के पार्ट को पढ़ लो, किसी भी पार्ट को, हमेशा हम इन चार ही लोगों के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अगेन किसी भी लेवल की बुक को उठा लेना, इन चार लोगों के अलावा इकोनॉमिक्स किसी को भी फोकस नहीं करती। तो जो सबसे पहला ह्यूमन बिहेवियर है मनी से जुड़ा, उसमें सबसे पहला बिहेवियर हमारे पास आता है हाउस होल्ड, इससे बड़ा किसी भी देश में कोई नहीं होता, क्योंकि यही वो है जिसके लिए सारे काम होते हैं। कि देखो आईफोन में चार कैमरा आ जाए, ठीक है, या फिर सैमसंग 8 कैमरा बना दे, या फिर कोई सर्विस अपनी बहुत अच्छी दे दे, कोई कुछ भी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, इन ऑर्डर टू सर्व द हाउस होल्ड, हम हाउस होल्ड को सर्व करने के लिए करते हैं कुछ भी। व्हाट इफ दिस दे स्टार्ट डिनाइंग द कंजम्पशन, राइट, अगर क्या होगा कि वो कंजम्पशन को रोक दे दे, स्टॉप कंज्यूमिंग, क्या कोई गुड बनाएगा, ऑफ कोर्स नॉट। मान लो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना छोड़ दें, क्या मैं ये वीडियोस बनाऊंगा, ऑफ कोर्स नॉट। तो सारे काम दुनिया के किसके लिए होते हैं, हाउस होल्ड के लिए, और इनका एक ही काम होता है, इनका एक ही काम होता है दैट इज टू कंज्यूम, कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन। तो सबसे पहला इकोनॉमिक एजेंट कौन है, हाउस होल्ड। इसके बाद हमारे पास आता है जो इकोनॉमिक एजेंट, दूसरा कौन है, दैट इज फर्म, विच इज प्रोड्यूसर, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोडक्शन करना। जी हमारा काम है तरह तरह के, अलग अलग तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना, वैसे ही फर्म का काम होता है प्रोडक्शन कर देना, राइट। ये भी डिफरेंट चीजें प्रोडक्शन करते हैं, भाई जो हमें कंज्यूम करना है वो हमें अवेलेबल कौन करवाएगा, ऑफकोर्स फर्म्स वो हमें अवेलेबल करवाएगी, राइट, ठीक है। तो पहला इकोनॉमिक सेक्टर, पहला इकोनॉमिक एजेंट, सबसे बड़ा एजेंट किसी भी देश को चलाने के लिए कौन है, हाउस होल्ड। इनको सर्व करने के लिए कौन है, फर्म, विच इज प्रोडक्शन, जो करके वो काम करती है। सोचो हाउस होल्ड को तुम फ्री छोड़ दो, वो तो कुछ भी कंज्यूम कर लेगा, है ना, वो कुछ भी कंज्यूम करेगा, वो दारू पीता रहेगा, वो ड्रग्स लेता रहेगा। क्या आपको लगता है कि ऐसी कंजम्पशन से कोई इकोनॉमी वेलफेयर स्टेट पे जा सकती है, कोई इकोनॉमी बढ़ सकती है, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, ठीक है। तो इसकी कंजम्पशन को कुछ तो रेगुलेट करना जरूरी है। सिमिलरली ये जो
प्रोड्यूसर है, इसको तुम फ्री छोड़ दो, ये कुछ भी प्रोड्यूस करेगा, ये कहेगा मुझे एक के 47 दे भाई मुझे, ये कहेगा ठीक है ले भाई लो, क्यों, क्योंकि इसको प्रॉफिट चाहिए, ये कुछ भी बनाएगा अपने प्रॉफिट के लिए और ये कुछ भी कंज्यूम करेगा अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, है ना। तो यार कोई तो चाहिए जो इन लोगों को रेगुलेट करता रहे, क्योंकि ये तो कुछ भी कर देंगे, इस हिसाब से देश बचेंगे ही नहीं कभी, ठीक है। प्लस हर हाउसहोल्ड मींस हर कंज्यूमर इस स्टेट में नहीं होता, इतनी परचेजिंग पावर नहीं होती कि वो खुद से हर चीज़ की कंजम्पशन कर सके, तो उसे क्या चाहिए होता है, तो उसे चाहिए होता है कि उसे कोई सपोर्ट करे फाइनेंशियली। सिमिलरली हर फर्म जो होती है वो इस स्टेट में नहीं होती, हर प्रोड्यूसर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हर कोई बिक्वेट कर दे, राइट, ठीक है। तो इन दोनों को फैसिलिटेट करने के लिए भी कह सकते हो और इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए भी कह सकते हो। हर इकोनॉमी में एक होता है, वो कौन होती है, हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। एंड इट्स आवर थर्ड सेक्टर, ये थर्ड सेक्टर है आपकी इकोनॉमी का जो कि बहुत मेजर सेक्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो इन दोनों को कंट्रोल, गवर्न और रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट और लास्ट जो हम देखते हैं वो कौन है हमारे पास, लास्ट में जो हमारे पास है दैट इज रेस्ट of the world, that is ROW. We are not living in an isolated world. हम एक isolated world में नहीं रहते. Now the interaction among the countries, the political parties, even the people, culture, ठीक है, are changing at a very fast rate. हम लोग एक दूसरे के पास जाते हैं, हम लोग दूसरे देशों में जाते हैं घूमते हैं, वो लोग हमारे देश में आते हैं घूमते हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो होती है, हम बहुत से गुड सर्विसेज उनको देते हैं, वो बहुत से गुड सर्विसेज हमें देते हैं, तो ये सारा का सारा चीज़ चलता रहता है ना, ठीक है। ये कहाँ से चल रहा है सदर, एक तो हमारा देश हो गया जिसमें तीन है, इन तीन के अलावा भी तो हमारे देश में लिखा है और वो कौन है, वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द आइडिया, ठीक है। सो मतलब आपको एक चीज़ हमेशा के लिए याद रखनी है कि जो पूरी इकोनॉमिक्स है ना, पूरी इकोनॉमिक्स उसका मेजर फोकस जो होता है वो इन चार सेक्टर पे, इन चार सेक्टर के अलावा हम कुछ भी नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं। अब एक और चीज, जब हम इन दोनों को बात करते हैं ना, सिर्फ इन दोनों की, ये हाउसहोल्ड और फर्म की, ये बहुत छोटा सा पार्ट हो जाता है। क्यों, तो हाउसहोल्ड है ना वो जगह 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 छोटे छोटे पार्ट में बटे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ दिल्ली के एग्जाम्पल, तो दिल्ली में भी कुछ एरियाज है जो बहुत रिच है, कुछ एरियाज है जो ठीक ठाक है, कुछ एरियाज है जो सच में वल्नरेबल स्टेट में है, तो हर तरह का कंज्यूमर है, हर तरह का उसको प्रोड्यूसर चाहिए। हम एक ही कंज्यूमर की थ्योरी को हर कंज्यूमर पे अप्लाई नहीं कर सकते और एक ही प्रॉफिट आने वाली स्ट्रैटेजी को हर बिजनेस फर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इन दोनों को बहुत छोटे लेवल पे, स्मॉल ग्रुप पे आके पढ़े जाना बहुत ज़रूरी है। आप समझ के देखो ना, ध्यान से सोचो कि अगर आपका एरिया जहाँ पे आप रहते हो बहुत पोर्श है, वहाँ पे कोई महंगा गुड बिक सकता है, लेकिन वही गुड अगर आपके एरिया के पास कोई छोटा मोटा एरिया होगा जिनकी परचेजिंग पावर नहीं होगी, वहाँ नहीं बिकेगा, राइट right? तो उनके लिए हमें क्या चाहिए, उनके लिए कुछ और चाहिए। तो ये दोनों बहुत छोटे छोटे पार्ट पे बटे हुए हैं। इसी की स्टडी करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हमने इकोनॉमिक्स का ब्रांच पढ़ा है एंड दैट इज माइक्रो। माइक्रो में आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, इसका मतलब ही होता है किसी इंडिविजुअल को पढ़ना या किसी एक छोटे ग्रुप के बारे में बात करना। वो छोटा ग्रुप कोई फर्म हो सकती है, वो छोटा ग्रुप कोई कंज्यूमर ग्रुप हो सकता है, दैट इज द आइडिया। तो माइक्रो का मेजर कंसर्न याद रखना है हमें क्या रहता है, हाउसहोल्ड और फर्म। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये चीज प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा, वहां पे कुछ भी चीज हवा में नहीं होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना है कि माइक्रो का हमेशा कंसर्न 95% कंसर्न किसका है, ऑफकोर्स हाउसहोल्ड और फर्म का। थोड़ा बहुत तो देखो हर सब्जेक्ट में इधर उधर चलता है, गवर्नमेंट भी आएगी क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो इनकी कंजम्पशन पे, और इनडायरेक्ट टैक्स लेगी तो इनकी प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली जब मैं पूरी इकोनॉमी की बात करता हूँ तो पूरी इकोनॉमी को तो एक ही बार में कंट्रोल कौन कर सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट बना रखी है हमने। तो इसलिए जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो मैक्रो में दिस ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब पूरी इकॉनॉमी, और पूरी इकॉनॉमी को इम्पैक्ट कौन कर सकता है, पूरी इकॉनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है गवर्नमेंट। एंड दैट इज द रीजन व्हेन एवर यू विल सी एनी बुक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यू विल बी डेफिनेटली गोना स्टडी समथिंग स्ट्रैटेजी, सम पॉलिसीज अबाउट द गवर्नमेंट, दैट हाउ योर गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग योर नेशन, द गवर्नमेंट पॉलिसीज, द गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड सो ऑन, मीन्स ऑल द पॉलिसीज रिलेटेड टू योर गवर्नमेंट किस कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी आर टारगेटिंग टुवर्ड्स द होल इकोनॉमी। सो वेन एवर वी आर स्टडिंग अबाउट होल इकोनॉमी, द इन्फ्लुएंस टू द होल इकोनॉमी कैन ओनली रन बाय अ बॉडी दैट इज गवर्नमेंट।
सो ये चीज़ आपने एक बहुत बेसिक तौर पे याद रखना है। आगे हम डिटेल में बहुत बात करेंगे माइक्रो और मैक्रो के बारे में, ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो हाउस होल्ड और फर्म, हाउस होल्ड फर्म किस में पढ़े जाएंगे मेजरली? माइक्रो में। माइक्रो के सारे टॉपिक जो लोग पढ़ चुके हैं और लेक्चर देख रहे हैं वो याद करना, कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी, कॉस्ट, प्रोडक्शन फंक्शन, सब माइक्रो में आता है। और जिन्होंने थोड़ा बहुत मैक्रो पढ़ा है, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ADS, सब मैक्रो में आता है। दैट इज द रेलेवेंस कि माइक्रो का जो टारगेट है वो कंज्यूमर और फर्म है, क्योंकि आइसोलेटेड छोटे ग्रुप, गवर्नमेंट का टारगेट है पूरा देश, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का भी आपके आंसर मैंने साथ में आपको दे दिया, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर किस डिसिप्लिन से बिलोंग करता है तो वो हमने पढ़ लिया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या था? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये था कि जो ये सब्जेक्ट है ये किसने लिखा, क्या इसका थोड़ा बहुत आइडिया है। तो हमें आइडिया मिल गया क्योंकि इसको डिफाइन किसने किया? एडम स्मिथ ने, वेल्थ के टर्म्स में। इसलिए इकोनॉमिक्स हमेशा मनी रिलेटेड बात तो करेगी ही करेगी, ठीक है। इंसान का वो हर बिहेवियर जो कि पैसे कमाने से, उसे खर्चने से, उसे बढ़ाने से जुड़ा है, वो सारा कंसर्न किसके अंदर आता है? इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले आप एक काम कर लो, पहले आप इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे राइट इट डाउन कर लो, ठीक है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन के अपने टुवर्ड्स मूव करते हैं तो आप जरा थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहोगे तो देखो थर्ड क्वेश्चन किस बारे में है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो एक बेसिक इंट्रो तो हमको मिल गया कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड टू द एस्पेक्ट्स ऑफ वेल्थ, दैट इज हाउ टू कंज्यूम, प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स, ठीक है। ये तो बेसिक आइडिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास इसी के चॉइस में था वो था डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के। ये तो एक रफ आइडिया हो गया सर, इकोनॉमिक्स को एक प्रॉपर तरीके से कैसे डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स को किस किस वे में, किस किस इकोनॉमिक्स के किस तरीके से डिफाइन किया और कितनी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की जो हम बेसिकली देखने और सुनने को हमें आती है, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। Thanks for watching.